अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग द रेसिपी ऑफ चाइनीज़ नूडल्स विद यू गाइस। आप इनको चाइनीज़ नूडल्स, स्पेगेटीज, लॉन्ग मैक्रोनीज कह सकते हैं। आई थिंक ये वो चीज़ है जो हम सभी के घरों में बहुत शौक से खाए जाते हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को ये पसंद होते हैं। और इनकी जो रेसिपी है वो भी बहुत, दे आर रियली ईजी टू मेक और हर किसी के बनाने का जो स्टाइल है दैट इज़ डिफरेंट, इट डिफर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब कि हर किसी का स्टाइल डिफरेंट होता है। सो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग माई वे ऑफ क्रिएटिंग दैम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मेकिंग द चाइनीज नूडल्स, स्पेगेटीज, जो भी आप पसंद करते हैं, आई हैव टेकन चाइनीज नूडल्स, दिस इज 250 ग्राम्स। आप इसको अच्छे से बॉयल कर लें। फॉर बॉयलिंग इट यू विल रिक्वायर सम वाटर, और उसको आप अच्छे से बॉयल करने के बाद जब इसको बॉयल आ जाता है, जस्ट ऐड योर नूडल्स और मैक्रोनीज, वट एवर इट इज, उसके साथ आप 1 teaspoon सॉल्ट ऐड कर दें और 1 tablespoon आप इसमें ऑयल ऐड कर दें। ऑयल ऐड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि वो आपके पैन के साथ स्टिक नहीं करेगा। उसके अलावा आप इसके लिए चिकन लें, उसको आप क्यूब्स में काट सकते हैं या आप उसको लंबा लंबा भी स्लाइस कर सकते हैं। इसको मैंने बॉयल कर लिया है बिकॉज बॉयलिंग द चिकन बिफोर मेकिंग इट मेक्स इट ईजियर, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। उसके साथ साथ मैंने मटर को भी चिकन के साथ ही बॉयल कर लिया है और उसकी वजह भी यही है कि ये बहुत ईजीली बन जाएंगे। सो दिस इज़ कैप्सिकम, शिमला मिर्च को जो है मैंने लंबा लंबा काट लिया है, और इसको हम जब हम ऑयल फ्राई जब हम स्टार्ट करेंगे उसके साथ हम इसको सॉटे कर लेंगे। उसके बाद मैंने चाइनीज़ कैरेट ली है और उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, और इसकी वजह ये है कि ये बहुत ईजीली बन जाएगा, इट विल नॉट बी टेकिंग टाइम। सॉस मैंने जो तैयार की है उसके लिए मैंने यूज़ किया है ऑलमोस्ट 1/4 कप ऑफ सोया सॉस, 1/4 कप ऑफ चिली सॉस, और 2 teaspoon मैंने इसमें केचप ऐड की है। दिस इज़ एग्जैक्टली 2 teaspoon ऑफ ब्लैक पेपर। सो दीज आर ऑल द इन्ग्रीडियंट्स दैट आई विल बी गोइंग टू यूज़। उसके अलावा मैं आई हैव फाउंड समथिंग दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइज। These are the Chinese noodles that I'm making right now, or this is exactly 250 grams. Okay, so with this I have got this masala inside this. Let me show you guys. This is the masala that I've got with this. ये मुझे इसके साथ receive हुआ है. I just thought of sharing a pinch of it with it because मैंने ये first time use कर रही हूँ इसको. तो मैं इसलिए इसको एग्जैक्टली जिस तरह उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है मैं उस तरह यूज़ नहीं करूँगी, और उसका रीज़न ये है बिकॉज आई डोंट नो द टेस्ट ऑफ इट। सो लेट्स ऐड ऑलमोस्ट 1/2 teaspoon ऑफ दिस सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया अबाउट इट्स टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी गाइस। ओके व्यूअर्स, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग इट। सबसे पहले आपने एक पैन में 3-4 tablespoon ऑयल ले लेना है, और उसके बाद मैं 1 teaspoon जो है मैं अदरक की ऐड कर रही हूँ जिसको कि मैंने पीस लिया है। एग्जैक्टली अदरक ऐड करने के बाद आप इसमें चिकन ऐड कर दें। Add all the vegetables with it. और अब मैं यहाँ पे अपनी सॉस भी ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने आपको बताया है हाउ आई मेड इट।
ब्लैक पेपर भी ऐड कर रही हूँ, विच इज ऑलमोस्ट टू एग्जैक्टली टू टी स्पून. आप इससे ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. यहाँ पर मैं वो मसाला भी ऐड करने लगी हूँ विच आई गॉट विद द पैकिंग ऑफ चाइनीज नूडल्स, और मैं इसको ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून से भी कम ऐड करूंगी. गाइज यहाँ पर 1 to 2 मिनट फ्राइंग के बाद आई विल कवर इट, क्योंकि जो शिमला मिर्च है वो इसमें बिल्कुल कच्ची है एंड इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम. ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स के लिए आप इसको छोड़ देंगे. सो व्यूअर्स आफ्टर 7 मिनट्स आई एम गोइंग टू ओपन इट. मैं इसको खोलने लगी हूँ और सब्जियाँ अच्छे तरीके से जो है वो गल चुकी हैं और मसाला तैयार हो चुका है. अब मैं इसके अंदर अपने जो है चाइनीज नूडल्स वो ऐड करने लगी हूँ. आफ्टर एडिंग आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो मसाले के साथ मिक्सअप करें और ये आपका रेडी टू सर्व है. दिस इज टोटली रेडी. इसको सिर्फ अच्छे तरीके से मिक्सअप करें एंड देन सर्व इट. सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द फाइनल लुक. सो व्यूअर्स आई एम शेयरिंग माई फाइनल लुक विद यू. इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था with all the masala and this is my final look and I have tasted it. This is truly flavorful and yummy and I would recommend you guys, please do try this recipe and let me know in the comments that if it turned out good or not. And as you can see that I'm going to enjoy it with my evening tea. So just try it guys and enjoy it with your tea or whatever cold drink you like to have. मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आएगी. गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लाइक माई कॉन्टेंट. इफ समबडी इज क्रिएटिंग समथिंग, इफ समबडी इज ट्राइंग टू डू समथिंग, वी नीड टू सपोर्ट अदर्स. आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू फॉर अदर्स इज सपोर्ट एंड वी एज अ नेशन नीड टू लर्न दिस थिंग जो हमारे अंदर बहुत लैक करती है वी एज ए नेशन, कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना आता. सो गाइज प्लीज़ डू लाइक माई चैनल, डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक माई कॉन्टेंट एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. आई होप दैट इट हैज़ टर्न आउट गुड. इट विल टर्न आउट गुड फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल. एंड इफ यू हैव समथिंग बेटर टू शेयर विद मी देन प्लीज़ कम इन द कॉमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो वट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेसिपी फॉर दिस.